हम अनादि काल से मोह रूपी शराब पीते हुए आ रहे हैं, अभी भी पी रहे हैं, इसके बाद भी पिएंगे और पीते ही रहेंगे। कैसे? जब आपका जन्म हुआ तो किसने आपको ये कहा कि तुम आप देह से भिन्न भगवान आत्मा हो? जन्म होते ही साथ आपको जो देखने को चेहरे मिले, उन्होंने आपको यही तो बताया कि आपका नाम ये है। कौन आपको ये बताता है कि आप शरीर से भिन्न भगवान आत्मा है? फिर किसी ने कहा ये तुम्हारी माता है, इनको मम्मी कहो, ये तुम्हारे पिता है तो तुम पिता कहो। जन्म से लेकर अभी तक हमें सब शराब ही शराब तो पिलाते हैं, अमृत कौन पिलाता है? स्कूल गए तो टीचर ने हमको वो विद्या पढ़ाई जिससे हम संसार में रखड़ते रहे, ए प्लस बी और मैथ सिखाया, साइंस सिखाया, लेकिन किसी ने हमें आत्मा थोड़ी बताया। मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, ये सब बातें कौन बताता है? इवन हमारे सभी माँ बाप अगर जिनवाणी सुनने को जाए तो वो तो ये कहते इससे होगा क्या, मंदिर जाने से क्या होगा। हमारे रियल पेरेंट्स जो हैं, एक ही बार हमें पाठशाला नहीं भेजते हैं बचपन में, हमें धार्मिक शिविरों में नहीं भेजते हैं, ये तो हमारी बात हुई। हम अपने बच्चों को भी मोह रूपी शराब पिलाते हैं, हमें लगता है धर्म करेगा तो ये बैकबोर्ड हो जाएगा, पिछड़ जाएगा, उसके लिए हम जानबूझ के धर्म से दूर रखते हैं। हम खुद भी मोह रूपी शराब को पीते हैं, दूसरों को पिलाते हैं, दूसरे अगर हमें पिलाते हैं तो भी हम बहुत चाव से पीते हैं। मतलब अगर हम अपने आत्म कल्याण के लिए तैयार नहीं है, जिनवाणी की बातों को विचार नहीं करते हैं, मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, सुख कैसे प्राप्त होगा, इन पर विचार नहीं करते हैं और अपना जीवन यूं ही बर्बाद कर रहे हैं, तो मतलब हम मोह रूपी शराब को पी रहे हैं प्रति समय। अपने दिन भर के कामों का आप एनालाइज करें और विचारें, ऐसे कितने प्रसंग हैं जहां हमें तत्व विचार का अवसर मिलता है, ऐसे कितने प्रसंग हैं जहां हमें भेद विज्ञान का अवसर हमें मिलता है और हम दूसरों को भेद विज्ञान का अवसर देते हैं। आपके जो करीबी हैं, अगर आप सच में अपने आप को उनका करीबी मानते हैं तो यह आपका कर्तव्य बनता है, आप उनसे तत्व विचार की बातें करें, आप उन्हें आत्मा परमात्मा की बातें बताएं, आप उन्हें जिनवाणी तत्वाभ्यास के लिए प्रेरित करें, ये आपका कर्तव्य होता है। दूसरा, व्यर्थ में भटकना ये तो कोई शराबी ही करे तो उसको शोभता है, हम जैसे चतुर जीवों को संसार में रखना कहीं शोभा नहीं होगा। चेतन तुम तो चतुर हो, काय भय मति ही, हे चेतन तुम्हें सामर्थ्य तो ऐसी है कि सिद्धों के सामने, सिद्धों के पैरेलल तुम बैठो, अनंत आनंद को भोगो, और ना जाने तुम्हें क्या सूझा है, कैसी दुर्बुद्धि तुम्हारे माथे पड़ गई है कि तुम्हें इस कीचड़ में, इस संसार में मजा आता और इसमें ही घूमते रहते हो। हम अनादि काल से मोह रूपी शराब